हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ट्रसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें ट्रसेस बाय जॉइंट मेथड का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके दो प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें ट्रसेस बाय जॉइंट मेथड का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस शोन बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये एक ट्रस स्ट्रक्चर है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स। यहां पे जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। तो यहां पे सभी मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि यहां टोटल कितने मेंबर हैं। मेंबर मतलब क्या होता है, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में जो लिंक है उसी को मेंबर कहते हैं। ये देखिए जॉइंट ए से जॉइंट सी के बीच में ये जो लिंक है ये है, दैट इज मेंबर ए सी। जॉइंट ए और जॉइंट डी के बीच में ये जो लिंक है ये है मेंबर ए डी। ऐसे टोटल कितने मेंबर है, तो यहां देखिए मेंबर ए सी, मेंबर ए डी, मेंबर बी सी, मेंबर बी डी और मेंबर सी डी, और ऐसे टोटल यहां पे पांच मेंबर है। तो ये सभी पांच मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। जॉइंट मेथड में क्या करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना होता है। कभी जॉइंट डी का एफबीडी हम बनाएंगे, कभी हम जॉइंट ए का एफबीडी बनाएंगे, कभी जॉइंट बी का एफबीडी बनाएंगे। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट का हमें एफबीडी ड्रॉ करना है और हर जॉइंट के थ्रू हमें दो मेंबर को सॉल्व करना है। तो जॉइंट मेथड अप्लाई करते समय हमें सबसे पहले कौन से जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना है वो कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए रूल ऐसा है कि आपको वो जॉइंट का एफबीडी पहले ड्रॉ करना है जो जॉइंट में दो अननोन मेंबर है। अगर कोई जॉइंट में दो से ज्यादा अननोन मेंबर है तो वो जॉइंट का एफबीडी आपको ड्रॉ नहीं करना है। कोई भी जॉइंट में दो अननोन मेंबर है तो ही आपको जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करना है और वो एफबीडी में फिर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके उसको सॉल्व करना है। तो चलो यहां चेक करते हैं कौन से जॉइंट में दो अननोन मेंबर है। तो अगर आप जॉइंट सी में चेक करेंगे तो जॉइंट सी में तीन अननोन मेंबर है, एक है ये एसी, दूसरा है बीसी और तीसरा है सीडी। जॉइंट सी में तीन मेंबर हो गए। जॉइंट डी में भी तीन अननोन मेंबर है, एडी मेंबर, बीडी मेंबर और सीडी मेंबर। जॉइंट ए में चेक करो तो जॉइंट ए में दो अननोन मेंबर है, एडी मेंबर और एसी मेंबर। इसका मतलब जॉइंट ए का एफबीडी हम बना सकते हैं। उसी तरह से जॉइंट बी में भी दो अननोन मेंबर है, बीसी मेंबर और बीडी मेंबर। तो आप जॉइंट ए का भी एफबीडी बना सकते हैं या आप जॉइंट बी का भी एफबीडी बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। स्टार्टिंग कहां से करना ये पूरा चॉइस आपका है। तो चलो फिलहाल हम जॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे। हमने जॉइंट ए में चेक कर लिया है जॉइंट ए में दो अननोन मेंबर है, एसी मेंबर और एडी मेंबर। तो जॉइंट ए का एफबीडी हम बनाएंगे, लेकिन जॉइंट ए का एफबीडी बनाने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जॉइंट ए में कोई सपोर्ट तो नहीं। अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे जॉइंट ए में सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये है हिंज सपोर्ट, और जॉइंट बी में भी सपोर्ट है, वहां पे रोलर सपोर्ट है। अगर आपको जॉइंट ए से स्टार्ट करना है तो जॉइंट ए का ये जो हिंज सपोर्ट है इसके सपोर्ट रिएक्शंस पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी तरह से जॉइंट बी से अगर आपको स्टार्ट करना है तो वहां पे भी सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे पहले सपोर्ट रिएक्शंस पहले हमें फाइंड आउट करना है, देन आफ्टर हमें सॉल्व करना है। बिना सपोर्ट रिएक्शन के ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। इसके पहले जो हमने ट्रस का प्रॉब्लम लिए थे, प्रॉब्लम नंबर टू जो हमने इसके पहले सॉल्व किए थे, उसमें हमने ट्रस को बिना सपोर्ट रिएक्शन के सॉल्व किए थे। वहां पे पूरा ट्रस बिना सपोर्ट रिएक्शन के सॉल्व हुआ। हमने ऐसे ऐसे जॉइंट को सॉल्व किए जहां पे दो अननोन मेंबर थे और वहां पे कोई सपोर्ट भी नहीं था। तो वो प्रॉब्लम आप जरूर स्टडी करिए, उसमें आपको बिना सपोर्ट रिएक्शन के कैसे सॉल्व करना वो समझ में आएगा। लेकिन यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिना सपोर्ट रिएक्शन के सॉल्व नहीं होगा। तो चलो ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे और सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस तीन होती है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो और मोमेंट इक्वल टू जीरो। ये तीनों कंडीशन का यूज करके आप सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शन यहां पे शो करेंगे। ये हिंज सपोर्ट है, रूल के हिसाब से हमें हिंज सपोर्ट के दो रिएक्शंस यहां पे शो करना है। तो ये देखिए हिंज सपोर्ट के दो रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कहेंगे आरएएच
और वर्टिकल रिएक्शन को कहेंगे आरएवी। तो ये हमने ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट के दो रिएक्शन शो किया है। रूल के हिसाब से हिंज सपोर्ट के दो रिएक्शन होते हैं, दोनों रिएक्शंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन वहां पे रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में सिंगल रिएक्शन शो करना है, तो इसको हम कहेंगे रिएक्शन, दैट इज आरबी। आरबी माने रिएक्शन एट बी। RAH RAV मतलब क्या, RAH मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए और RAV मतलब वर्टिकल रिएक्शन एट ए। तो चलो अब ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे पहले, देन आफ्टर हम ट्रस को सॉल्व करेंगे। और सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा था इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करना है, तो पहले कौन सा कंडीशन यूज करना, ये चॉइस आपका है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहली कंडीशन। तो हम यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर वन। और समेशन करने का रूल है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन, तो यहाँ पे एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है आरएएच, ये राइट साइड जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, तो आरएएच एक ही फोर्स है इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली एक ही फोर्स होने की वजह से वो जीरो हो गया आरएएच। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पहली कंडीशन हो गई। और अब दूसरे कंडीशन की बारी है, दूसरे कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, मतलब यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। कितने वर्टिकल फोर्सेस है, यहां टोटल तीन वर्टिकल फोर्सेस है, आरएवी आरबी और ये टेन, तीनों का समेशन करना है। और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले सभी फोर्सेस प्लस। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में देखिए आरएवी वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो आर ए भी प्लस में आएगा, देन आर बी वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो ये भी प्लस में आएगा, देन वो 10 किलोमीटर नीचे आ रहा है तो ये माइनस में आएगा, इक्वल टू जीरो। फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर वन दे दो, वो इसीलिए क्योंकि इसमें दो अननोन है इसलिए ये सॉल्व नहीं हो सकता। और अब थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। थर्ड कंडीशन ये है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। मोमेंट आपको अप्लाई करना है और समेशन का रूल क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। मोमेंट आपको कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना है, या तो मोमेंट आप ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो बी पॉइंट पे अप्लाई करो, चॉइस आपकी है। तो चलो मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करने से क्या होगा कि ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। इसके पहले हमने मोमेंट के सीरीज में ये सब चीजें बताए थे, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो, तो ए से आरएएच पास हो रहा है और आरएवी पास हो रहा है, इट मींस ये दोनों फोर्सेस ए पे एक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों जीरो हो गए। रिमेनिंग जो भी फोर्सेस सेफ है वो मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो यहाँ पे दो फोर्सेस सेफ है, एक है 10 किलोन्यूटन और दूसरा है आरबी, ये दोनों फोर्सेस सेफ है, ये दोनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे, ठीक है। समेशन ऑफ एम ए मतलब समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे लेना है, लेकिन समेशन करते समय रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो चलो देखते हैं ये दोनों में से कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक करना काफी आसान है, ये दो फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा आपको मान के चलना है, जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसा डेमोन्स्ट्रेशन करना है। मोमेंट ए पे है तो ये दो में से एक फिंगर जो है वो एज अ सेंटर फिंगर ए पे रखो और दूसरा फिंगर जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ। चलो 10 किलो न्यूटन को चेक कर रहे हैं, वो नीचे जा रहा है, मोमेंट ए पे है तो ये जो फिंगर है ये हमने ए पे रखा है, 10 नीचे जा रहा है तो हाथ को ऐसा नीचे घुमाओ, दूसरा फिंगर जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ, तो ये 10 क्या हुआ, ये 10 जो है वो ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, तो 10 हो गया प्लस में, तो हम लिखेंगे 10 प्लस में इनटू ए से लेके 10 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 3। कैसे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से जो ऊपर से लोड एक्ट हो रहा है वो बेस के बीच में से पास होगा, तो ये सेंट्रली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, देखिए तो इधर 3 मीटर इधर 3 मीटर, तो यहां पे हमने 10 इंटू 3 करें क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है और हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लेना है, तो देखो ये जो 10 है एक वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हमने ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो लिए, दैट इज 3, ठीक है। देन नेक्स्ट फोर्स को हम लेंगे, दैट इज आरबी। आरबी देखो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, हम इसको चेक करेंगे कि वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट ए पे है तो एज अ सेंटर दो में से एक फिंगर ए पे रखो, तो ये जो फिंगर है ये हम ए पे रखेंगे और जो दूसरा फिंगर है वो फोर्स के डायरेक्शन में आपको घुमाना है। तो देखो आरबी जो है वो ऊपर जा रहा है, मोमेंट ए पे है तो ये फिंगर हमने ए पे रखे, आरबी ऊपर जा रहा है तो हाथ को ऐसे ऊपर घुमाओ, तो अगर आप ऊपर घुमाएंगे तो आरबी ऐसा ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो आरबी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हम लिखेंगे माइनस आरबी इंटू ए से लेके आरबी तक का डिस्टेंस, ए से लेके आरबी तक का ये पूरा डिस्टेंस कितना 6, तो ये हम लिखेंगे 6 इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स के लिए ये वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
मोमेंट दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कर लिए, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करना काफी आसान है, ये हो गया 30 माइनस आरबी इंटू 6 इक्वल टू 0, तो ये हो गया आरबी इंटू 6 इक्वल टू 30, इसको 6 से डिवाइड करो तो आरबी का वैल्यू हो गया 5 किलो न्यूटन। तो फाइनली हमें आरबी यहां पे मिल गया, और अब यही आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो, इक्वेशन नंबर 1 हमारा अनसॉल्व है तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो ये हो गया आर ए वी प्लस 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये हो गया आर ए वी माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आर ए वी हमें मिल गया दैट इज 5 किलो न्यूटन। तो फाइनली हमने सपोर्ट रिएक्शन यहां पर फाइंड आउट कर लिए, किलो न्यूटन में लिखना है क्योंकि देखो सिस्टम में यहां पे ये जो लोड दिया है ऊपर से वो किलो न्यूटन में है, तो इसलिए हमने दोनों जो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट किए हैं वो दोनों हमने किलो न्यूटन में लिखे। तो फाइनली सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना बहुत जरूरी था, बिना उसके ज्वाइंट मेथड यूज नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए। और ये फाइंड आउट करने के बाद यहां पे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन काफी आसान है। देखिए ये जो सपोर्ट रिएक्शंस हमने फाइंड आउट किए उसमें ये जो आरएएच है, आरएएच तो जीरो है, ये देखिए आरएएच जीरो है हमने यहां पे मेंशन किए, और ये जो आरएवी और आरबी है ये दोनों का वैल्यू सेम है। आरएवी का वैल्यू ये देखिए 5 किलो न्यूटन, ये भी 5 किलो न्यूटन है, और ये जो आरबी है ये भी 5 किलो न्यूटन है, ये दोनों सपोर्ट रिएक्शन सेम है, आरएवी और आरबी दोनों के दोनों सेम है। ये दोनों सेम होने का फायदा क्या है, फायदा ये है हम ये समझ गए हैं कि ये जो ट्रस है ये एक सिमेट्रिकल ट्रस है। दो प्रकार के ट्रस होते हैं, सिमेट्रिकल ट्रस और अनसिमेट्रिकल ट्रस, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रस है क्योंकि ये दोनों सपोर्ट रिएक्शन सेम आए हैं, और यहां पे देखो डायमेंशंस भी ऊपर नीचे सेम है, देन यहां पे भी जो बीच में से ये डिवाइड हो रहा है इधर भी 3 इधर भी 3, तो ये इनडायरेक्टली पूरा जो स्ट्रक्चर है और ये जो पूरा ट्रस है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने का फायदा क्या है, सिमेट्रिकल ट्रस होने का फायदा यह है कि आपको पूरा ट्रस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आधा ट्रस सॉल्व करना है और आधा ड्यू टू सिमेट्री ऐसा लिखना है। ट्रस का जो हमने इसके पहले फर्स्ट प्रॉब्लम लिए थे वो भी एक सिमेट्रिकल ट्रस था, उसमें भी हमने वैसा ही किए थे, तो यहां पे हमें ये ट्रस को पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आधा सॉल्व करना है, तो फाइनली ये कंक्लूजन निकलता है। तो चलो अब हम ये ट्रस को आगे सॉल्व करेंगे, क्या करना है हमें, अब हमें ज्वाइंट मेथड अप्लाई करना है। हमने अभी तक ज्वाइंट मेथड अप्लाई नहीं किए हैं, हमने ये सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस निकाले हैं। ये सपोर्ट रिएक्शन जो हमने सॉल्व किए हैं ये हर ट्रस के प्रॉब्लम में सॉल्व करना पड़ता है क्या, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि वहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि यहां पे हमें जरूरत थी इसलिए यहां पे हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट किए। इसके पहले जो हमने ट्रस का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें हमने सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट नहीं किए थे, बिना सपोर्ट रिएक्शन के ही पूरा ट्रस हमने सॉल्व किए थे बाय यूजिंग जॉइंट मेथड, लेकिन यहां पे बिना सपोर्ट रिएक्शन के सॉल्व नहीं होता है, हमने पहले ही चेक कर लिया इसलिए हमने पहले सपोर्ट रिएक्शन निकाले, और अब यही सपोर्ट रिएक्शन का यूज करके आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्वेश्चन में यहां लिखा था, इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द फोर्स इन ऑल द मेंबर बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। यहां पे सभी मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, यहां टोटल कितने मेंबर हैं, हमने काउंट किए थे 5 मेंबर हैं, और ये सभी 5 मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ जॉइंट। और जॉइंट मेथड में आपको पहले कौन सा जॉइंट लेना है, आपको ऐसा जॉइंट लेना है जहां पे 2 अननोन मेंबर है, और हमने पहले ही चेक करके यहां पे देख लिया है कि यहां कौन से जॉइंट में 2 अननोन मेंबर है, यहां जॉइंट ए में 2 अननोन मेंबर है, हमने आपको पहले ही कहा था ए में 2 अननोन मेंबर है और बी में 2 अननोन मेंबर है, तो ये दोनों में से हमें ए जॉइंट से स्टार्ट करना है। तो चलो ए जॉइंट से स्टार्ट करेंगे, और ए जॉइंट में जो 2 अननोन मेंबर है वो हम फाइंड आउट करेंगे, कौन से 2 अननोन मेंबर है, एसी मेंबर और एडी मेंबर, ये दोनों मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है फ्रॉम द एफबीडी ऑफ ज्वाइंट ए। तो चलो ज्वाइंट ए का एफबीडी बनाते हैं, तो हम यहां लिखेंगे एफबीडी ऑफ ज्वाइंट ए। देखो ज्वाइंट ए का एफबीडी हम यहां बना रहे हैं, ज्वाइंट ए का एफबीडी कैसे बनेगा, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफबीडी बनाते समय दिक्कत होती है, और एफबीडी बनाना सबसे आसान काम है, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो आपको इसके पहले जो हमने रूल बताए थे इसके पहले के वीडियोज में, बिल्कुल वही रूल का हम आपको यहां पे यूज करके बताएंगे। देखो ये जॉइंट ए का एफबीडी ड्रॉ करना है, तो जॉइंट ए में आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो एज इट इज ड्रॉ करो। जॉइंट ए में क्या दिखाई दे रहा है, इधर से आरएएच, इधर से आरएवी, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हम शो करेंगे। देखो जॉइंट ए में हमने यहां पे शो करना है इधर से आरएएच, इधर से आरएवी, ये तो आएगा हॉरिजॉन्टल वाला आरएएच और वर्टिकल वाला आरएवी, ये एज इट इज शो करना है। जस्ट अ मिनट, ये हम लिखेंगे आरएवी। ओके,
देन आपको क्या दिखाई दे रहा है, जॉइंट ए में क्या दिखाई दे रहा है, और ये आपको एडी मेंबर दिखाई दे रहा है और ये एसी मेंबर दिखाई दे रहा है, दोनों इंक्लाइन है तो दोनों आपको यहां शो करना है। ये देखिए, ये है एडी मेंबर और ये है एसी मेंबर, दोनों मेंबर हमने यहां पे शो किए। एडी मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, हम इसको ऐसा शो करेंगे, एडी मेंबर में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो इसमें हम लिखेंगे एफएडी, और ये एसी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करना है तो इसमें हम लिखेंगे एफएसी, ठीक है। और ये दोनों मेंबर में फोर्स का डायरेक्शन सीधा आउटवर्ड ले लो, एफएडी ये भी आउटवर्ड ले लो और एफएसी ये भी आउटवर्ड ले लो। इसके पहले हमने हर एक वीडियो में ट्रस के बताए थे कि कोई भी जॉइंट का एफबीडी ड्रॉ करते समय कोई भी मेंबर में आपको फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड लेना है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये सबसे आसान तरीका है ट्रस के प्रॉब्लम सॉल्व करने का। यहां पे आप कोई भी जॉइंट का एफबीडी बनाएंगे तो कोई भी जॉइंट के एफबीडी में हर मेंबर का डायरेक्शन आपको आउटवर्ड लेना है, चाहे वो मेंबर नोन हो चाहे वो मेंबर अननोन हो। तो यहां पे हमने जॉइंट ए में जो दो मेंबर में फोर्स जो हमने शो किया है, एसी मेंबर और एडी मेंबर, देखो एसी में हमने शो किए एफएसी आउटवर्ड, एडी में हमने शो किए एफएडी आउटवर्ड। लेकिन ये एफबीडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एफबीडी में अब हमें क्या करना है, जो भी इंक्लाइंड फोर्सेस है इंक्लाइंड फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना है। तो यहां पे कितने इंक्लाइंड फोर्सेस है, यहां पे दो इंक्लाइंड फोर्सेस है, एफएडी और एफएसी, ये दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना है। और इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए इनका एंगल हमें पता करना पड़ेगा कि ये इनका एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ। एंगल अगर मिल गया तो इसको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखो एफएडी का सबसे पहले हम यहां पे एंगल फाइंड आउट करेंगे। एफएडी का एंगल फाइंड आउट करना कैसे, देखिए बहुत ही आसान है। ये जो ए है, ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये देखो ए से हॉरिजॉन्टल लाइन, और डी से ये देखिए ऊपर से ऑलरेडी एक वर्टिकल लाइन यहां पे आई है, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर बन गया, ये हॉरिजॉन्टल ठीक है और ये वर्टिकल। तो यहां पे एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड, तो ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का। कैसे, क्योंकि देखिए इसके लिए ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड का लेंथ कितना है 3 मीटर, और ये एडजेसेंट साइड इसका मतलब जो बेस है उसका लेंथ क्या है 3 मीटर। तो ये एंगल इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट 3/3, तो ये हो जाएगा 45। तो फाइनली ये एंगल 45 हम यहां पे शो करेंगे। और अब ये एफएडी इंक्लाइंड फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको एंगल की जरूरत पड़ती है, तो ये हम एफएडी को रिजॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा दैट इज एफएडी कॉस ऑफ 45, और ये हम लिखेंगे एफएडी साइन ऑफ 45। तो एफएडी जो इंक्लाइंड फोर्स था उसको हमने रिजॉल्व कर लिए, और अब बचा है एफएसी। तो चलो देखते हैं एफएसी को रिजॉल्व करने के लिए एफएसी का एंगल क्या है। एफएसी ये जो एसी मेंबर है इसका एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ। तो चलो हम इसका एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है तो एसी का ऐसा ट्रायंगल बनाओ, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये अपोजिट साइड, देखो ये अपोजिट साइड का लेंथ कितना 6, और ये एडजेसेंट साइड इसका लेंथ कितना 3, तो ये अपोजिट बाय एडजेसेंट करो, टेन इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट 6/3 करो, तो ये हो जाएगा दैट इज 63.434। तो ये हम यहां पे एंगल का यूज करके यहां पे एफएसी को हम यहां पे रिजॉल्व करेंगे। एफएसी रिजॉल्व करने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यहां पे लिखेंगे, इसका एंगल कितना 63.434, तो हम यहां लिखेंगे एफएसी कॉस ऑफ 63.434, और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट एफएसी साइन ऑफ 63.434। तो फाइनली एफबीडी ये कंप्लीट हो गया, और अब हमें यहां पे सॉल्व करना है और यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके ये एफएसी और एफईडी हमें फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस में वैसे तो तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई और मोमेंट, लेकिन हमें यहां पे सिर्फ दो कंडीशन का यूज करना है, एक समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और दूसरा समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो चलो हम यहां पे वन बाय वन दोनों को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। यहां टोटल तीन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, एक है एफएडी कॉस, एक है एफएसी कॉस और एक है आरएएच। तो ये तीनों का समेशन, समेशन करने का रूल हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस, और ये तीनों जो है वो राइट साइड जा रहे हैं, तीनों की तीनों प्लस में आएंगे। तो ये हम लिखेंगे दैट इज एफएडी कॉस ऑफ 45 प्लस एफएसी कॉस ऑफ
63.434 इक्वल्स टू जीरो। देखो हमने यहां पे FAD को यहां लिए, FEC को यहां लिए, लेकिन RAH को नहीं लिए क्योंकि RAH का वैल्यू जीरो है, उसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा, तो हमने यहां पे उसको इग्नोर किए। तो फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो अननोन है, तो इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो। और अब नेक्स्ट हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे, वहां से एक और ऐसी इक्वेशन मिलेंगी। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है, और समेशन करने का रूल वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, यहां पे तीन वर्टिकल फोर्सेस है, ये देखिए एफएडी साइन, एफएससी साइन और यहां आरएबी, और समेशन करने के रूल के अकॉर्डिंग हम यहां समेशन करेंगे। एफएडी साइन ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने वाले प्लस, तो एफएडी साइन ऑफ 45 प्लस में, देन एफएससी साइन ऊपर जा रहा है तो ये भी प्लस में, तो हम लिखेंगे एफएससी साइन ऑफ 63.434। और यहां आरएबी का वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं, देखो आरएबी, आरएबी कितना है, आरएबी हमने सॉल्व किए थे 5, आरएबी हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में लेना है, इसका वैल्यू है 5, तो हम यहां लिखेंगे प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने यहां एफएडी, एफएसी और आरएबी तीनों को हमने यहां ले लिए। और अब ये इक्वेशन में भी दो अननोन है, इक्वेशन नंबर टू में भी दो अननोन थे, हमने उसको इक्वेशन नंबर टू कहा, और इक्वेशन नंबर ये जो है इसमें भी यहां पे दो अननोन है, लेकिन हम यहां पे एक काम करेंगे, ये जो 5 है ये 5 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। 5 को राइट साइड में शिफ्ट करने का फायदा क्या हुआ, देखो हम बताएंगे, एफ एडी साइन ऑफ 45 प्लस एफ ए सी साइन ऑफ 63.434, 5 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा -5। और अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का, और अब यहां पे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एफएडी का आंसर और एफएसी का आंसर यहां पे मिल जाएगा। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, तो ये दोनों को कैलकुलेटर में डायरेक्टली आप साइमल्टेनियस मोड में लेके सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर आप साइमल्टेनियस मोड में लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते समय कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना, अगर डिग्री मोड में नहीं है तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो यहां पे दो अननोन लेके आपको सॉल्व करना है, देखो एफएडी का कोएफिशिएंट है cos 45 इज इक्वल टू, इसका है cos 63.434 इज इक्वल टू, राइट साइड में जीरो है तो जीरो लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट है sin 45 इज इक्वल टू, फिर है sin 63.434 इज इक्वल टू, राइट साइड में है -5 तो -5 इज इक्वल टू, और फाइनली हमें यहां पे एफएडी और एफएसी मिल चुका है, और एफएडी आया है पहला अननोन दैट इज 7.071 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन में लिखना है, और दूसरा है -11.18 किलो न्यूटन। तो फाइनली जॉइंट ए को हमने पूरी तरह से सॉल्व किया है, और यहां पे हमें एफएडी और एफएसी मिल गया, इसका मतलब एडी और एसी मेंबर में हमें फोर्स पता चल गया, ये जो एडी और एसी थे, ये जो दो अननोन थे, ये दोनों अननोन मेंबर में हमें फोर्स पता चल चुका है, और ये आ चुका है एफएडी और एफएसी का वैल्यू, लेकिन इसका नेचर अभी तक हमने नहीं लिखा है, तो अब हम इसका नेचर लिखेंगे, और नेचर लिखना काफी आसान है। देखो एफएडी का आंसर प्लस में आया है, इसका आंसर प्लस में है इसलिए हम इसके सामने टी लिखेंगे, टी माने टेंसाइल फोर्स, और एफएसी का आंसर माइनस में आया है तो इसके सामने हम सी लिखेंगे, सी माने कॉम्प्रेसिव फोर्स। हमने ये जो एफबीडी बनाया, एफबीडी बनाते समय हमने एफएसी आउटवर्ड लिए, एफएडी आउटवर्ड लिए, ठीक है, एफएडी का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड लिए तो एफएडी का आंसर प्लस में आया, इसका मतलब यह है कि एफएडी का डायरेक्शन जो हमने लिए वो बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब एफएडी एक टेंसाइल फोर्स है, इसलिए हमने उसके आगे टी लिखना है। दो प्रकार के फोर्स होते हैं, टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है और कॉम्प्रेसिव फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होता है। यहां पे हमने एफएडी आउटवर्ड लिए, इसका मतलब एफएडी हमने टेंसाइल लिए, और एफएडी प्लस में आया, इसका मतलब एफएडी टेंसाइल फोर्स है, इसलिए हमने उसके आगे टी लिखे। लेकिन देखो एफएसी, एफएसी हमने आउटवर्ड लिए, ठीक है ना, एफएसी आउटवर्ड लिए, लेकिन एफएसी का आंसर देखो माइनस में आया, इसका मतलब यह है कि एफएसी आउटवर्ड नहीं इनवर्ड चाहिए था, इसका मतलब एफएसी में टेंसाइल फोर्स नहीं कॉम्प्रेसिव फोर्स चाहिए था, इसलिए हमने इसके आगे सी लिख दिए, इसका मतलब एफएसी इट इज अ कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो फाइनली हमें यहां पे पांच मेंबर में से दो मेंबर में फोर्स पता चल गया, टोटल यहां पे पांच अननोन मेंबर थे, पांच में से ये दो मेंबर सॉल्व हो गए, एसी मेंबर और एडी मेंबर, एसी मेंबर में कॉम्प्रेसिव फोर्स है और एडी मेंबर में टेंसाइल फोर्स है, ये सॉल्व करने के बाद हमें समझ में आ गया। और फाइनली अब हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे और आगे हमें दूसरे जॉइंट भी सॉल्व करना है, अभी तक सिर्फ हमने जॉइंट ए सॉल्व किया है, इट मींस सिर्फ एक ही जॉइंट सॉल्व किया है, लेकिन हमने बीच में कहा था
कि ये सिमेट्रिकल ट्रस है, और सिमेट्रिकल ट्रस होने का फायदा ये है कि आपको सिर्फ आधा ट्रस सॉल्व करना है। तो यहां पे आपने जॉइंट ए सॉल्व किए, तो जॉइंट ए में आपको ये दो मेंबर में फोर्स मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको बीसी और बीडी ये मेंबर में भी फोर्स मिल गया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रस है। इधर के मेंबर में जितना आंसर आएगा उधर के मेंबर का भी आंसर वही होगा, इट मींस दोनों मेंबर में फोर्स बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल होने का यही एक फायदा है। तो पांच मेंबर में से अब हमारे पास चार मेंबर का आंसर पता है, ये चारों मेंबर में फोर्स कितना कितना है वो हमें पता है। जितना फोर्स एसी में उतना ही फोर्स बीसी में, जितना फोर्स एडी में उतना ही फोर्स बीडी में, और अब बचा है एक मेंबर। कौन सा मेंबर बचा है, ये देखिए, ये सीडी मेंबर, ये सीडी मेंबर में कितना फोर्स है वो हमें नहीं पता। तो सीडी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करने के लिए या तो जॉइंट सी का एफबीडी बनाओ या तो जॉइंट डी का एफबीडी बनाओ। अब ये चॉइस आपका है किसका एफबीडी ड्रॉ करना है, तो हम एक काम करेंगे जॉइंट डी का एफबीडी ड्रॉ करेंगे, जॉइंट सी का नहीं, क्योंकि जॉइंट सी बहुत बड़ा जॉइंट है। जॉइंट सी में चार यहां पे चीजें आएंगी, जॉइंट सी में यहां पे इधर का एक, ये एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर और ये एक फोर्स, मतलब यहां टोटल फोर थिंग्स हो गए। लेकिन जॉइंट डी में थ्री थिंग्स है, ये एक दो तीन मेंबर है, तो जॉइंट डी सॉल्व करना आसान है, इसलिए हम जॉइंट डी का एफबीडी बनाएंगे और जॉइंट डी के एफबीडी के थ्रू फिर हम ये सीडी मेंबर में फोर्स फाइंड आउट करेंगे। एक बार हमें सीडी मेंबर में फोर्स मिल गया तो टोटल पांचों मेंबर नोन हो जाएंगे, फिर हम लास्ट में एक टेबल बनाएंगे और टेबल में हम सभी को एनालिटिकली शो करेंगे तब प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे एफबीडी ऑफ जॉइंट डी, एफबीडी ऑफ जॉइंट डी, जॉइंट डी का एफबीडी हमें ड्रॉ करना है। तो चलो देखते हैं जॉइंट डी में क्या क्या है। तो जॉइंट डी में तीन मेंबर है, ऊपर एक मेंबर, इधर एक मेंबर, इधर एक मेंबर, तो ये हम यहां पे जॉइंट डी के एफबीडी में शो करेंगे ऐसा। ये देखिए ऊपर एक मेंबर, इधर एक मेंबर और इधर एक मेंबर, और मेंबर में डायरेक्शन जो है वो सीधा आउटवर्ड दे देना है। ये हमने इसके पहले के ए जॉइंट के एफबीडी में भी कहा था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रस, ये जो यूनिट है ये ट्रस यूनिट में एक ही जगह कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन क्या है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या लेना, क्योंकि ये ट्रस यूनिट के प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट बुक में जो दिए है उसमें कुछ बुक्स में फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड दिया है, कुछ बुक्स में फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड दिया है, कुछ बुक्स में मिक्स दिया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि आउटवर्ड कब लेना इनवर्ड कब लेना, लेकिन यहां पे ये जो हम मेथड बता रहे हैं ये सबसे आसान मेथड है, ये मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा जो वो बुक में दिया है। तो ये मेथड में हमने क्या बताया कि कोई भी जॉइंट का एफबीडी बनाते समय आपको हर मेंबर का डायरेक्शन आउटवर्ड लेना है, चाहे वो मेंबर नोन हो चाहे वो मेंबर अननोन हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हम जॉइंट डी का एफबीडी हम बना रहे हैं, तो जॉइंट डी में तीन मेंबर हैं, जॉइंट डी में ये ऊपर का मेंबर है सीडी, तो ये सीडी मेंबर में हमने फोर्स शो करेंगे एफसीडी आउटवर्ड। जॉइंट डी में इधर लगा है एडी मेंबर, तो ये है हम यहां फोर्स शो करेंगे दैट इज एफएडी, ये भी आउटवर्ड। और जॉइंट डी में लगा है इधर बीडी मेंबर और इसमें भी फोर्स हम शो करेंगे दैट इज एफबीडी, ठीक है, और ये भी आउटवर्ड। तो ये तीन मेंबर हमने यहां पे शो किए और अब हमें यहां पे एफसीडी सॉल्व करना है, और ये एफसीडी सॉल्व करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना है, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके एफसीडी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने के लिए यहां पे इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, देन आफ्टर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और ऑप्शन है, वो दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है लैमिस थ्योरम। हम यहां पे लैमिस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, लैमिस थ्योरम यूज करने की कंडीशंस यहां पे बन रही है। हमने लैमिस थ्योरम के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाए थे, उसमें हमने ये पूरी तरह से बताए थे। लैमिस थ्योरम यूज करते समय कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर वन ये है कि देयर मस्ट बी थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस, तो यहां पे देखिए तीन कॉन्करेंट फोर्सेस है। कंडीशन नंबर टू है कि तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, देखो तीनों का डायरेक्शन सेम है। और कंडीशन नंबर थ्री है कि तीनों फोर्सेस के बीच में हमें एंगल पता होना चाहिए, बस हमें वो नहीं पता, इन बिटवीन ईच फोर्स एंगल हमें नहीं पता, तो बस हमें वो फाइंड आउट करना है, और वो फाइंड आउट करना काफी आसान है। तो ये इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना या लैमिस थ्योरम से सॉल्व करना, ये चॉइस आपका है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम से सॉल्व करना है तो इन दोनों को रिजॉल्व करो, देन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई करो तो आपको एफसीडी मिलेगा। लेकिन अगर लैमिस थ्योरम यूज करना है तो यहां पे सीधा सीधा सिर्फ एंगल फाइंड आउट करके तीन फ्रैक्शन का इक्वेशन बनाओ, एफसीडी मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सेंटर है, सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का फायदा क्या होगा, फायदा यह है कि इधर हमें 90 मिल गया, इधर भी हमें 90 मिल गया। ठीक है, और ये जो एंगल है इधर के, ये हो जाएंगे 45 45 डिग्री के। कैसे,
तो ये फाइंड आउट करना काफी आसान है। देखो जैसा आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, बिल्कुल वैसा ही हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ भी बनाएंगे। देखो ये जो जॉइंट डी है, जॉइंट डी से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। देखो ये हमने जॉइंट डी से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, तो यहाँ पे देखो ये हमने नीचे एंगल फाइंड आउट किए थे 45। देखो हमने थोड़ी देर पहले एंगल फाइंड आउट किए थे 45। अगर ये 45 है तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल, है ना। ये 45 है तो ये भी 45, और यहाँ पे ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ये भी एंगल 45 का है, तो अल्टरनेट ये भी एंगल 45 का होगा। तो यहाँ पे सभी एंगल जो है नीचे के जॉइंट डी पे 45 है, तो ये एंगल 45 है, तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा वो शो किया है। और अब यहाँ पे ये 90 और 45 को ऐड करो तो ये टोटल एंगल हो गया 135। यहाँ पे भी ये 90 और 45 को ऐड करो तो ये हो गया 135, और ये रिमेनिंग एंगल कितना रहेगा, तो ये रिमेनिंग एंगल रहेगा 90। पूरे 360 में से ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो बचेगा 90। तो फाइनली लेमिस थ्योरम यूज करने के लिए सभी कंडीशंस हमने सेटिस्फाइड करा लिए हैं, और अब हमें एफसीडी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हम लेमिस थ्योरम का इक्वेशन बनाएंगे, हम यहां लिखेंगे बाय लेमिस थ्योरम। तो यहां पे सबसे पहले एफएडी लेंगे, तो हम लिखेंगे एफएडी, कोई भी फोर्स पहले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो एफसीडी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहां लेंगे एफएडी बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल इक्वल्स टू, देन हम लेंगे एफसीडी बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल इक्वल्स टू, देन एफबीडी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। ये लेमिस थ्योरम की इक्वेशंस बनाने का तरीका है, काफी आसान है, बस यहां पे लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बन जाएंगी, फिर हम कोई भी दो फ्रैक्शन लेके सॉल्व करेंगे तो यहां पे एफसीडी हमें मिल जाएगा। हमें एफसीडी फाइंड आउट करना है, तो चलो यहां पे एफएडी डिवाइड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। देखो एफएडी का अपोजिट एंगल आपको यहां लेना है, तो एफएडी का अपोजिट एंगल क्या होगा, देखो एफएडी का अपोजिट एंगल 135 है तो हम लिखेंगे 135, ठीक है। देन एफसीडी का अपोजिट एंगल कितना होगा, 90, तो ये हम लिखेंगे 90, और एफबीडी का अपोजिट एंगल 135, तो ये हमने लिखा 135। लेमिस थ्योरम के हमने स्पेशल इसके पहले वीडियो सीरीज बनाए थे, वहां से आप लेमिस थ्योरम की पूरी स्टडी कर लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हमने ये तीन फ्रैक्शन वाला इक्वेशन बना दिए, और हमें एफसीडी फाइंड आउट करना है, तो हम एक काम करेंगे, ये पहले दो फ्रैक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें एफसीडी मिल जाएगा। तो चलो पहले दो फ्रैक्शन सिलेक्ट कर लो, तो हम यहां लिखेंगे सिलेक्ट पहले दो फ्रैक्शन, तो हम लिखेंगे दैट इज 7.071 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 135 इक्वल्स टू एफसीडी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। क्या लिखा हमने, हमने पहले दो फ्रैक्शन लिखा, और लिखते समय ये एफईडी का जो वैल्यू है, देखो एफईडी का वैल्यू ये 7.071 ये हमने यहां लिख दिए, और अब ये दोनों फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको एफसीडी मिल जाएगा। तो यहां पे हम कैलकुलेशन लिखेंगे, इधर देखिए ये हो जाएगा एफसीडी इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो, 7.071 साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय कितना, साइन ऑफ 135। तो यहां पे फाइनली एफसीडी का आंसर यहां पे हमें मिल जाएगा। चलो देखते हैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या आता है, तो हम लिखेंगे दैट इज 7.071 साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 135, तो ये आंसर आ चुका है 9.999। इसका मतलब सीधा सीधा यहां पे 10 किलो न्यूटन ऐसा हम लिख सकते हैं। आंसर इसका प्लस में है तो इसके सामने टी लिखना है, टी माने टेंसाइल फोर्स। हमने आपको कहा था कि आंसर प्लस में आया है तो आपको टी लिखना है, सो एफसीडी के आगे हमने टी लिखे, इट मीन्स इट इज अ टेंसाइल फोर्स। तो फाइनली ये जो सीडी मेंबर है, सीडी मेंबर में हमें फोर्स पता चल गया, सीडी मेंबर में टेंसाइल फोर्स है। तो यहां टोटल पांच मेंबर थे, पांचों मेंबर में हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिए, और अब हमें क्या करना है, ये पांचों मेंबर जो हमने सॉल्व किए हैं इनको एक टेबल में शो करना है, और टेबल में शो करने के बाद प्रॉब्लम वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए टेबल आपके सामने है, देखो टेबल में हमने क्या क्या लिखा है, पहले कॉलम में लिखा है सीरियल नंबर, देन दूसरे कॉलम में लिखा है फोर्स इन मेंबर, देन तीसरे कॉलम में है मैग्नेट्यूड, और लास्ट कॉलम में है नेचर। तो ये सब हम लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक काम करेंगे, टोटल जो पांच मेंबर थे, पांचों मेंबर के आंसर, ये देखिए ये पहला मेंबर जो हमने सॉल्व किए थे, ये दूसरा, देन ये तीसरा, और हमने कहा था कि ड्यू टू सिमेट्री बीसी और बीडी के आंसर वही होंगे जो एसी और एडी का है, तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। एग्जाम में भी जब आप सॉल्व करेंगे तो सिमेट्रिकल ट्रस के प्रॉब्लम में एट द लास्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो भी आपने सिमेट्रिकल से आपने फोर्सेज जो सेम करे हैं उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर, या ड्यू टू सिमेट्री ऑफ ट्रस ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रक्चर एफ बी सी इज इक्वल टू एफ ए सी, और दूसरा कौन सा, एफ बी डी
इज इक्वल टू एफ एडी, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हमने मेंशन कर लिए, तो ये बहुत जरूरी था। तो टोटल पांच मेंबर हमने यहां पे सॉल्व कर लिए, ठीक है। और अब ये पांचों मेंबर जो है हमें टेबल में लिखना है वन बाय वन, तो हम यहां लिखेंगे सीरियल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5। तो फोर सीन मेंबर में हमने फोर्स फाइंड आउट किए थे एफएडी, तो हम लिखेंगे एफएडी। देन नेक्स्ट फाइंड आउट किए एफएसी, तो हम लिखेंगे एफएसी। देन हमने नेक्स्ट फाइंड आउट किए थे एफसीडी। और सिक्वेंसली लिखना जरूरी नहीं है, जैसे सॉल्व किए वैसे ही सिक्वेंसली लिखना जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा। देन हमने नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किए हैं एफबीसी, और लास्ट में हमने मेंशन किए हैं एफबीडी। और अब सभी का मैग्नीट्यूड लिखना है, लेकिन मैग्नीट्यूड लिखते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए एफईडी का आंसर है 7.071, हम यहां लिखेंगे किलो न्यूटन, और इसके सामने टी है तो यहां पे हमें नेचर में टी लिखना है। एफएसी का आंसर है 11.18 माइनस में, तो हम लिखेंगे 11.18 किलो न्यूटन और सामने लिखेंगे सी। देखो हमने क्या कहा था, मैग्नीट्यूड में आपको इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान में रखना है कि जो भी आंसर माइनस में है यहां पे आपको माइनस वगैरह शो करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा माइनस का सी जो है वो यहां पे शो करना है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। देन एफसीडी का आंसर क्या था, वो था 10 किलो न्यूटन, ये हम लिखेंगे और इसके आगे टी। एफबीसी का आंसर जो है वो एफएसी के समान है, तो ये हम लिखेंगे 11.18 किलो न्यूटन और इसके सामने सी। और एफबीडी का आंसर जो है वो एफएडी के समान है, तो 7.071 किलो न्यूटन और इसके सामने टी। तो फाइनली हमने टेबल बना लिए और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। एग्जाम में जब कभी भी कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा एट द लास्ट टेबल बनाना जरूरी है, और टेबल बनाने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा ट्रस का प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था ट्रस का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।